अच्छे बनो, सत्य बोलो। अरे ये तो बताओ ना भैया कि हम सत्य कैसे बोलें, हमारे कर्म अच्छे कैसे हों। जहां मनुष्य को कर्म की प्रधानता दी है, वहीं भगवान ने मनुष्य को ज्ञान में श्रेष्ठ बनाया है। ध्यान दीजिएगा, इस ज्ञान की श्रेष्ठता से ही हमें अपने कर्मों को सही करना है। कर्म गलत होते हैं इग्नोरेंस के कारण, अज्ञानता के कारण, लेकिन भगवान ने हमें ज्ञान प्रधान बनाया है, कर्म प्रधान बनाया है, ज्ञान की श्रेष्ठता दी है। कैसी श्रेष्ठता, समझिए। हमें दो प्रकार के ज्ञान से युक्त किया है। क्यों? क्योंकि हम एक नहीं, हम दो हैं। हम दो कैसे हैं? शरीर, सोल, बॉडी एंड सोल। तो बॉडी की सस्टेनेबिलिटी के लिए भी हमें ज्ञान दिया है कि कैसे उसको ठीक ठाक रखना है, और सोल, माइंड एंड इंटेलेक्ट, इसके बैलेंस के लिए भी हमें एक ज्ञान दिया है, ताकि हमारा जीवन एक बैलेंस में चले, पैरेलल, बिकॉज दोनों आवश्यक है। शरीर भी ठीक होना चाहिए, शरीर को भी हमें स्वस्थ रखना है। हम ये नहीं कह सकते कि हम भजन करके बिल्कुल शरीर में विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स कुछ नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, हम तो हरि भजन करेंगे और राधे राधे करके हम सब पालेंगे। ऐसा नहीं है। यदि आपका शरीर सही नहीं रहेगा तो आपका मन भी भगवान में नहीं लगेगा। तो दो प्रकार का ज्ञान है, एक अपराज्ञान, अपराविद्या, और दूसरा है पराविद्या। अपराविद्या शरीर संबंधित, पराविद्या आत्मा परमात्मा संबंधित। ठीक, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं हमारी लाइफ में। देखिए, इसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाना चाहती हूं, थोड़ा ध्यान से समझिए। अपरा के अंतर्गत आता है स्किल, इंटेलिजेंस, ये वाला नॉलेज, और परा के अंतर्गत आता है विजडम। ठीक, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। आइए मैं आपको एक कहानी से समझाती हूं फटाफट। आप लोग प्रसंग जानते होंगे कि जब भगवान राम के पास सुग्रीव आए रोते रोते कि बाली ने मेरी पत्नी को ले लिया है और मेरा भाई बाली, आप उसका वध कर दीजिए। अब भगवान राम वो स्किल्ड हैं, उन्हें वेपन्स कैसे चलाना है उसकी नॉलेज है, वो स्किल्ड है। इधर उनका जो ओपोनेंट है, विपक्षी है, बाली, वो भी स्किल्ड है, उसको भी वेपन्स का ज्ञान है, दोनों पार्टी स्किल्ड है। सेकेंड है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस माने आप कैसे कार्य करते हैं, कैसे बुद्धिमत्ता से करते हैं। तो जो बाली था, बाली को ये ब्लेसिंग्स थी, ये उसको वरदान मिला हुआ था कि वो जिसके साथ भी लड़ेगा तो ओपोनेंट की जो आधी शक्ति है वो उसको मिल जाएगी। अब इसकी आधी शक्ति है और जो दूसरा खेल रहा है या लड़ रहा है उसकी आधी शक्ति मिल गई तो पूरी हो गई, तो कोई उसको मार ही नहीं सकता, ये उसको वरदान था।
तो भगवान राम अब इंटेलिजेंटली सोचते हैं कि यदि मैं इसके सामने खड़ा हो जाऊंगा तो मेरी आदि शक्ति तो इसको मिल गई, तो इसका तो वध कभी होगा ही नहीं और मैं सुग्रीव का काम कर नहीं पाऊंगा। इसीलिए उन्होंने इंटेलिजेंटली ये सोचा कि मैं छिप के मारूंगा ताकि मेरी शक्ति उसके पास ना जाए। तो क्या किया, छिप के चतुराई से बाली का वध किया। तो स्किल भी आप समझ गए, इंटेलिजेंस भी आप समझ गए, अब विजडम की बात। यदि राम चाहते तो उनका कोई बैर बाली से तो था नहीं, और उनको अपनी पत्नी की खोज करवानी थी, और बाली तो रावण को अपनी बगल में दबा के घूमता है, तो क्या राम बाली से हेल्प नहीं ले सकते थे? भाई उनको अपना काम कराना है, हमें क्या मतलब, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ। लेकिन राम क्या बोल रहे, आई विल स्टैंड फॉर राइटियसनेस। नहीं, मैं जानता हूं कि बाली को मैं बोलूंगा तो वो तुरंत पता लगा लेगा, लेकिन मैं धर्म के पक्ष में हूं, बाली गलत है। इसीलिए यहां पे विजडम, हमें किसके पक्ष में रहना है, ये नहीं कि हमें काम होने से मतलब है, अपना क्या जाता है, चलो काम निकाल लो, यहां विजडम गलत हो गया। मैं समझा पा रही हूं शायद आप लोगों को। तो विजडम मीन्स यू शुड हैव अ कैपेबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एंड देन टू परफॉर्म आवर एक्शंस विद प्रॉपर स्किल एंड इंटेलिजेंस। सीधी सीधी बात, विजडम बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने स्किल भी ले लिया, इंटेलिजेंस भी ले लिया, लेकिन विजडम नहीं है आपके पास, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप नुकसान में हो जाएं, आप कलंकित हो जाएं। तो ये जो अपराविद्या है, ये आपको इंटेलिजेंस देगी, ये अपराविद्या आपको स्किल्ड बनाएगी, ये आपके शरीर को भी स्वस्थ रखेगी, आप कमाएंगे, स्कूल कॉलेजेस से विद्या लेंगे, कैरियर बनाएंगे, अच्छी पोस्ट में बैठ जाएंगे, सब कुछ हो सकता है इस अपराविद्या से। लेकिन ये अपराविद्या आपके मन को स्वस्थ नहीं कर सकती, स्वर्ण अक्षरों में लिख लीजिए, या आपके मन को स्वस्थ नहीं कर सकती। सारी दुनिया पीस 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 का नारा लगा रही है, ऑल ओवर यूनिवर्सल पीस पीस। ये पीस अपरा विद्या से नहीं मिलेगी, ये तो हम जानते ही नहीं। गवर्नमेंट कहती है करप्शन बंद करो, पीस लाओ, पॉलिटिशियन कहता है भाईचारा रखो, करप्शन बंद करो, अच्छे बनो, सत्य बोलो। अरे ये तो बताओ ना भैया कि हम सत्य कैसे बोले, तो वो कहते हैं ये अच्छी बात है बस करो। अच्छी बात है कैसे करें, ये हम नहीं जानते कैसे करें। हम भी जानते हैं कि ये अच्छी बात है, उसको करना है करो। अरे अच्छी बात है ये तो हम बालपन से सुन के वेद तक सुनते आए, सत्यमेव जयते, लेकिन होता तो नहीं, होता क्यों नहीं, रीजन क्या है? इसका रूट कॉज ये है कि जिस पीस को आप पाना चाहते हैं उसका कनेक्शन शरीर से नहीं है, उसका कनेक्शन तो मन बुद्धि से है। तो जब तक हमारे थॉट्स, हमारे आइडियाज ठीक नहीं होंगे, प्योर नहीं होंगे, आप जितने नारे लगाते जाइए उससे क्या होता है, कुछ नहीं होने वाला। हमने कभी यही विचार नहीं किया कि हमें अपने थॉट्स को कैसे ठीक करना है, अपने आइडियाज को प्योर कैसे बनाना है,
क्योंकि हमने तो अपने आप को माना शरीर और शरीर को सुख सुविधा देने का लक्ष्य बना लिया। कमाओ खाओ घूमो ऐश करो, यही है सब कुछ। और फिर मिजरेबल हो गए, उदास हो गए, सफरिंग से फिर वही 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 कर रहे। हमने तो अपने आप को शरीर माना और शरीर को सुख देने का लक्ष्य बना लिया। अब वो जैसे मिल जाए सुख, सत्य बोल के मिले, झूठ बोल के मिले, 420 पापाचार दुराचार जैसे भी, तो जब पापाचार दुराचार झूठ बोल के यही हमारे बेस हैं, तो उससे आइडियाज प्योर कैसे होंगे? और जब थॉट्स एंड आइडियाज प्योर नहीं है तो फिर आपको पीस मिलेगा कैसे? तो ये जो भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत, ये भौतिक ऑब्जेक्ट्स, ये आपको थोड़ी देर का सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं, लग्जरीज दे सकते हैं, आपको कंफर्ट्स दे सकते हैं, पीस नहीं दे सकते। इनके पास पीस देने का इस भौतिक जगत में कोई सामान नहीं। पीस एकमात्र पराविद्या देती है। पराविद्या दैट मीन्स अध्यात्म। तो आध्यात्मिकता जो होती है, स्पिरिचुअलिटी जो है, वो हमारे अंतःकरण, अंतःकरण मीन्स होता है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चार चीजों को स्पिरिचुअलिटी प्योर करती है, शुद्ध करती है। तो जब मन शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होंगे तो शांति अपने आप होगी।